गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं प्रोफेसर प्रदीप्ता सैनी। आज हम बीएड सेकंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सॉफ्ट पेपर के अंतर्गत संप्रेषण को प्रभावित करने वाले सामाजिक और संगठनात्मक कारकों के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पूर्व की जो वीडियो है उसके अंदर हमने संप्रेषण को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक के बारे में स्टडी की थी। तो सबसे पहले आप उस मनोवैज्ञानिक कारक से संबंधित अगर स्टडी करनी है तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहला संप्रेषण, इसको हम दो कैटेगरी में इस तरह से समझ सकते हैं, या फिर सामाजिक या समाज शास्त्रीय दृष्टि से वो कौन कौन से कारक हैं जो इस पर्टिकुलर सोशल जो हमारा एरिया है उसमें हमारे संप्रेषण को प्रभावित करते हैं। तो अब इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो संप्रेषण है, संप्रेषण सबसे पहले इसमें हमारे जो सामाजिक संगठन है जिसमें हमारे धर्म है, जाति से जुड़े हुए हैं, सामाजिक संगठन, सामाजिक सामाजिक मान्यताएं, और सामाजिक व्यवहार, ये तीन बातें हमारे सोशल में आती हैं, सोशल एस्पेक्ट के अंतर्गत। तो सामाजिक व्यवहार, इस सामाजिक जो भी हमारे संगठन है, जो हमें हमारे सोसाइटी के नजर आते हैं, हमारे विभिन्न जाति के रूप में, धर्मों के रूप में, या विभिन्न समुदायों के रूप में, साथ ही जो हमारी मान्यताएं हैं पर्टिकुलर किसी विशेष समाज से जुड़ी हुई, और हमारा जो सोशल बिहेव है, इन सब का जो साधन है, सबसे इम्पोर्टेंट जो साधन हमें कह सकते हैं वो है संप्रेषण। क्योंकि बिना संप्रेषण के ना तो हमारा सोशल बिहेव नजर आएगा, ना ही हमारी सोशल मान्यताएं जो उस समाज की है वो हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, और ना किसी सामाजिक संगठन के बारे में हम कुछ कह सकते हैं कि सामाजिक संगठन पर्टिकुलर इसका ओरिजिन क्या है, इसका डेवलपमेंट क्या है, और इस सामाजिक संगठन के अपने कल्चर क्या है। ये सब बातें हमारे डिपेंड करती है हमारे कम्युनिकेशन पर, ठीक है। अब संप्रेषण का संबंध, अब इसका जो संबंध है, संप्रेषण का संबंध हमारा जो है मेन हमारे जो भाषा के संदर्भों से होता है। भाषा के संदर्भ है और हमारा व्यवहार, क्योंकि हम इस भाषा को प्रयुक्त करते हैं अपने व्यवहार को परिलक्षित करने के लिए। तो संप्रेषण का जो संबंध है वो भाषा के संदर्भ में हम लेते हैं, और भाषा के संदर्भ में लेने पर यह हमारे बिहेव में परिलक्षित होता है। तो इस प्रकार ये दोनों क्या है, दोनों ही हमारे सामाजिक संदर्भ में गिने जाते हैं, ठीक है। क्योंकि तो किसी भी समाज में अगर बिहेव हो रहा है तो उस व्यवहार को भाषा के माध्यम से ही हम समझा सकते हैं, और भाषा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो मानव की अभिव्यक्ति का एक सशक्त स्रोत भी है। तो दोनों स्थिति में बिहेव के लिए भाषा जरूरी है, और भाषा को जब हम व्यक्त करते हैं तो वो हमारा बिहेवियर टर्म है। तो इसका संबंध अब ये भी जुड़ी हुई है हमारे संप्रेषण से, और ये भी जुड़ा हुआ है हमारे संप्रेषण से। तो इस प्रकार नेक्स्ट
इसका संबंध
वापस संप्रेषण से ही होता है, क्योंकि संस्कृति के जो विभिन्न आस्पेक्ट हैं हम उसको संप्रेषण के माध्यम से ही समाज में अपने व्यवहार भाषा के माध्यम से दिखाते हैं या बोलते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। तो जब अगर संस्कृति का जहाँ अभाव है, यानी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं हमारे भारतीय संस्कृति का, तो भारतीय संस्कृति में जब कोई मनोरंजन होता है या घर में विवाह ऐसे कार्यक्रम होते हैं, तो ये सब क्या है, विवाह की जो संपन्न की जाने वाली सभी विधि विधान वो हमारी संस्कृति का ही प्रतीक है। और इस संस्कृति में इन विधि विधान को प्रस्तुत करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए, या बिहेवियर टर्म या क्रियान्विति करने के लिए संप्रेषण ही सशक्त माध्यम है। जब तक संप्रेषण प्रभावी नहीं होगा तब तक हमारी संस्कृति का भी व्यापक प्रसार प्रसार नहीं हो सकता। इसलिए कहा जा सकता है कि संस्कृति एक ऐसा कारक है, जब संस्कृति का अगर अभाव है तो समाज का भी विकास नहीं हो सकता, क्योंकि संस्कृति के विभिन्न गतिविधियां कार्य इनको संप्रेषण के माध्यम से ही हम समाज में दिखाते हैं, हम अपने व्यवहार के माध्यम से। तो ये सब बातें क्या हैं, तो अगर हम यूं कहें कि संस्कृति के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार संस्कृति हमारे समाज को एक आधार प्रदान करती है और संस्कृति को हम संप्रेषण के माध्यम से ही अभिव्यक्त करते हैं अपने व्यवहार के रूप में। तो ये मेन बातें हैं हमारे सोशल कारक की। अब आता है सेकंड, इसमें भाषा शास्त्रीय दृष्टि से या भाषाई कारक, दोनों बातें हैं इसमें अलग अलग शब्दों के रूप में। तो भाषा शास्त्रीय दृष्टि से, अब भाषा शास्त्रीय दृष्टि से जो हम हमारे संप्रेषण को किस प्रकार से हमारी भाषा प्रभावित करती है, तो भाषा का तो डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे संप्रेषण से, क्योंकि संप्रेषण को विभिन्न हम शाब्दिक अशाब्दिक इन दोनों रूपों में हमारे बिहेव के अंतर्गत हम व्यक्त करते हैं। तो भाषा हमारा मौखिक माध्यम है, इसके माध्यम से हमने संप्रेषण के प्रकार देखे हैं। तो अगर आपको संप्रेषण के प्रकार देखने हैं तो आप पूर्व के वीडियो में उसकी स्टडी कर सकते हैं जो इसी का ही एक पार्ट है। तो संप्रेषण के लिए मौखिक अभिव्यक्ति को भाषा एक आधार प्रदान करती है। तो भाषा, जब तक भाषा नहीं आई तब तक हम अपने भावनाएं विचार इत्यादि को हम कुछ संकेतों के माध्यम से या अशाब्दिक रूप से व्यक्त करते थे, लेकिन जब हमारे शब्दों का प्रयोग हम करने लगे तो हमारे विभिन्न प्रकार के अक्षरों का, वाक्यों का, छोटे छोटे वर्ड्स हम कह सकते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे भाषा का विकास हुआ और हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग, समानार्थक शब्दों का प्रयोग या इसी प्रकार से जब हम साहित्यिक भाषा के शब्द भी इनको कह सकते हैं, जब से हमारे प्राचीन भाषा हम संस्कृत को मानते हैं, तो धीरे धीरे इन भाषाओं का विकास हुआ और इन भाषाओं के विकास ने हमारे संप्रेषण को भी एक सुसंगठनात्मक आधार प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार भाषा क्या है, तो भाषा हमारे संप्रेषण को क्या करती है, भाषा संप्रेषण को वैज्ञानिक, क्योंकि तो भाषा का जब विकास हुआ है तो भाषा का जिस तरह से डेवलपमेंट चला तो हम एक ऑर्गेनाइज रूप से क्रमबद्ध वाक्यों के रूप में हम अपने शब्दों का प्रयोग करने लगे और धीरे धीरे सटीक, तर्कसंगत, लॉजिकल या अन्य सिनोनिम्स वर्ड्स करते हुए, और इनका जब अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, संरचना, तो उसके आधार पर जब हम संप्रेषण करते हैं भाषा का, तो भाषा ने क्या किया, संप्रेषण को एक वैज्ञानिक विवेचन के लिए एक बेस प्रदान किया। तो वैज्ञानिक विवेचन का आधार हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम शब्दों को टुकड़ों में या अलग अलग तरीके से बोले, क्रम
वैज्ञानिक गुण है, विशेषता है। और अगर हम टुकड़ों में एक शब्द या दो शब्द के माध्यम से हमारे बिहेव को संप्रेषित करें, बिहेव के ठीक है बिहेव के माध्यम से संप्रेषित करें, तो कोई उसका मीनिंग नहीं निकल पाएगा, ना सामने वाला उसे समझ पाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम वाक्य को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करें तो ये भाषा क्या है, संप्रेषण को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। नेक्स्ट इसमें है कि भाषा जो है वह यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है अब नेक्स्ट जो कारक है जो हमारे भाषा शास्त्र दृष्टि से हमारे संप्रेषण को प्रभावित करते हैं, उसमें आता है कि भाषा के लिए जब हम जिन भी शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्दों का प्रयोग जो है विभिन्न ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से हम यादृच्छिक रूप से, यादृच्छिक का मतलब होता है एक तरह से प्रोबेबिलिटी, ठीक है इंग्लिश में से कहते हैं। इसमें हम अगर रिसर्च के माध्यम से हम इस बात को समझे कि यादृच्छिक का मतलब होता है, जैसे हम लॉटरी विधि एक एग्जांपल देती हूँ कि हम सभी व्यक्तियों का नाम लिख करके उसमें से पर्टिकुलर किसी एक को लीडरशिप बनाना हो, ठीक है लीडर बनाना हो हमारा और लीडरशिप का उसके अंदर गुण हो, तो ऐसे करके विभिन्न व्यक्तियों के नाम लिख करके चिट निकाली जाती है, उस चिट के अंदर सभी व्यक्तियों के सिलेक्शन की संभावना होती है। तो इस प्रकार से भाषा की दृष्टि से जब हम यादृच्छिक की बात करते हैं तो भाषा में विभिन्न प्रकार के अक्षर और शब्दों का सिलेक्शन हम संप्रेषण के माध्यम से कर सकते हैं, तब वो संप्रेषित किया गया वाक्य के रूप में संप्रेषण होगा। सपोज कीजिए भाषा के रूप में अगर मुझे कमल फूल है, ये तीन अक्षर है या शब्द हम कह सकते हैं इसे अक्षरों के माध्यम से निर्मित हुए, तो अब इनमें से गुलाब फूल है, अब मुझे फूलों के बारे में अपना संप्रेषण करना है कि फूल कौन कौन से हैं, तो मुझे गुलाब है कमल है इस तरह से बहुत ही वैरायटी ऑफ फूलों के नाम उनको सेलेक्ट कर सकती हूँ जब मुझसे ये पूछा जाएगा कि किसी एक फूल का नाम बताइए। तो मैं भाषा को जब प्रयुक्त करूंगी संप्रेषण के माध्यम से तो मैं किसी भी एक फूल का नाम चुनने के लिए चयन करने के लिए स्वतंत्र हूँ। दूसरी बात, इतने सारे फूलों में से किसी एक का भी फूल का मैं सिलेक्शन कर सकती हूँ। तो ये होता है यादृच्छिक। तो यादृच्छिक रूप से मैं ध्वनि प्रतीकों ध्वनि यानी मैं जो संप्रेषण कर रही हूँ उन अक्षरों को शब्दों के रूप में ध्वनि के माध्यम से प्रयुक्त कर रही हूँ। तो ये यादृच्छिक है कि मैं कोई से भी फूल का नाम लेकर उसके जो प्रतीक है उनको ध्वनि के माध्यम से प्रयुक्त कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल गुलाब, तो गुलाब ये जो तीन अक्षर हुए इससे एक शब्द बना गुलाब। अब गुलाब को जब मैं ध्वनि इन प्रतीकों के माध्यम से उच्चारित कर रही हूँ तो ये मेरा हो गया संप्रेषण। तो इस प्रकार भाषा में ये यादृच्छिक प्रतीकों की व्यवस्था और वो व्यवस्था कैसी हो जिसके माध्यम से हमारा ये जो समाज
हमारे जिस समाज में निवास करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था के माध्यम से जो भाषा के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे हैं उनको उनके द्वारा अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। तो ये फैक्टर भी क्या है, हमारे संप्रेषण को प्रभावित करता है। तो जिस प्रकार का हमारा अगर एक तरह से ट्राइबल समाज है तो ट्राइबल समाज के अंदर जो यादृच्छिक रूप से ध्वनि प्रतीक होंगे वो उनके हिसाब से होंगे, तो उनके हिसाब से वो मानव समुदाय अपने विचारों का आदान प्रदान करेगा। अगर हम आधुनिक समाज की बात करें तो आधुनिक समाज के अंदर प्रयुक्त की जाने वाली भाषा और उसके अंदर जो ध्वनि प्रतीक की व्यवस्था है, जैसे हम आधुनिक समाज के अंदर हम हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्यादा प्रयोग करते हैं, या तो हमारे रीजनल स्टेट्स हैं वो अपनी रीजनल लैंग्वेज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे उन्हीं ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था के माध्यम से अपनी भाषा के रूप में वो संप्रेषण करेंगे और इसके अंतर्गत वो अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। दैट इज द मीनिंग। नेक्स्ट इज मीन कि इस दृष्टिकोण से माध्यम पर बल देती है। अब इस पॉइंट के आधार पर जो हमारा भाषाई दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण में भाषा के उच्चारित रूप यानी भाषा के अंदर जिन शब्दों को हम उच्चारण रूप में प्रयुक्त करते हैं या वाक्य रूप में उच्चारित करते हैं उसकी विविध व्यवस्था कि हम अलग अलग तरीके से अपने भावों को, जैसे आज खुशी का भाव है मेरे अंदर तो मैं विविध अपनी खुशी को जिन शब्दों के माध्यम से प्रयुक्त करूंगी या संप्रेषित करूंगी तो उसकी व्यवस्था उसका उच्चारण एक खुशी का होगा। दुख का अगर है तो दुख का जो स्वर है रोना क्रदन ये सब हमारे रूप आएंगे। तो इसमें जब हम मैं शब्दों की व्यवस्था करूंगी कि आज तो मैं बहुत दुखी हूँ, आज तो मैं बहुत फेड अप हूँ, तो ये सारी जो विविध व्यवस्थाएं हैं और उनको मैं संप्रेषण के माध्यम से किस तरह से प्रयुक्त कर रही हूँ, किस तरह से अपने विचार और भावनाओं को प्रयुक्त कर रही हूँ, तो ये भी क्या है, हमारे संप्रेषण को प्रभावित करता है। अगर मेरी भाषा में मेरा उच्चारण प्रभावी है तो उच्चारित स्वरूप में जो विभिन्न शब्दों की व्यवस्था होगी वो बहुत इफेक्टिव होगी। उसके अंदर मैं अपने कोई भी भाव है, विचार है, जिस तरह की भी मेरी मानसिक स्थिति है, मैं उसे उस भाषा के अंदर उन शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करते हुए उच्चारित कर सकती हूँ। ये उच्चारण ही क्या है, मेरा संप्रेषण है। तो अगर मेरी व्यवस्था विभिन्न भाषाओं के अंतर्गत, जैसे इंग्लिश भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, या अदर कोई रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है, तो उसके अंदर मैं अपने शब्दों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके उसे उच्चारण करूँ और प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण करने के बाद अगर मैं बहुत ही अच्छी तरह से प्रभावी रूप से संप्रेषण कर सकती हूँ तो मेरा संप्रेषण प्रभावी होगा, अन्यथा नहीं होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। नाउ अब अगर हम कह सकते हैं कि हमारे संप्रेषण है, इस संप्रेषण के अंतर्गत जो तीनों कारक हैं हमारे, उन तीनों कारकों में सबसे पहला कारक अभी में हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में, वह है मनोवैज्ञानिक कारक। दूसरा है सामाजिक या समाजशास्त्रीय
भाषाई या भाषा शास्त्री जो भी हम कह सकते हैं। तो ये जो तीनों कारक हैं, ये तीनों क्या हुए, हमारे संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये जो तीनों कारक हैं, ये तीनों कारक मूल रूप से हमारे संप्रेषण को प्रभावित करते हैं। अब भाषा, भाषा की अगर हम बात करें तो भाषा क्या है, समाज सापेक्ष है। समाज सापेक्ष, जैसा समाज होगा वैसे उसकी भाषा होगी। और इसमें भाषा समाज सापेक्ष है और भाषा के लिए जिन हम शब्दों को प्रयुक्त करते हैं अपने विचार भावनाओं को प्रयुक्त करने में, तो भाषा को संप्रेषित करने में जो शब्द है वह हमारे संप्रेषण का माध्यम है। ठीक है, इसे हम दूसरे अर्थों में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भाषाई कारक को इफेक्टिव करने में जो कम्युनिकेशन है वो इम्पोर्टेंट है। अब इसमें भाषा हमारे विभिन्न समाजों के हिसाब से अपनी अपनी भाषाएं हैं, तो भाषा क्या हो गई, समाज सापेक्ष हो गई। अब इस भाषा के अंदर हम जो भी हमारे शब्द हैं, ठीक है, और जो भी हमारे वाक्य हैं, हम उस रूप में हम क्या कर रहे हैं, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और ये भाषा का प्रयोग को हम जो व्यक्त करते हैं तो व्यक्त भाव ही क्या हो जाता है, हमारा संप्रेषण हो जाता है। और इस संप्रेषण के माध्यम से फिर हमारे जो भावनाएं हैं, विचार हैं, हमारे तथ्य हैं, सूचनाएं हैं, हम इनको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं आदि, इनको हम व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार शिक्षण की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो तीनों आस्पेक्ट हैं, 1, 2, 3 यानी तीनों, ये तीनों क्या है, हमारी जो टीचिंग है, टीचिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। टीचिंग यानी हमारा शिक्षण। अब मैं इसे हिंदी में लिख देती हूँ, शिक्षण। तो शिक्षण के लिए ये तीनों जो हमारे कारक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इन तीनों का ही क्या होना चाहिए, फिर हमारे समन्वय, समन्वय प्लस समाहार, इन तीनों का ही संयुक्त रूप से समन्वय और समाहार आवश्यक है। ठीक है, इसको इधर आवश्यक है, इन तीनों के कोऑर्डिनेशन से ही हम क्या कर सकते हैं, संप्रेषण कर सकते हैं और तभी हमारा संप्रेषण प्रभावी होगा। इस प्रकार से शिक्षक को क्या चाहिए कि शिक्षक इन तीनों कारकों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखे, ज्ञान रखे, तभी वह अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण भी कराने का कार्य है और सिखाना भी है स्टूडेंट्स को। तो ये तीनों कारकों के आधार पर कि ये किस प्रकार से बालक को संप्रेषण की दृष्टि से प्रभावित करते हैं, तो इसका ज्ञान होगा तभी उसकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली होगी, उसका क्योंकि उसका संप्रेषण प्रभावशाली होगा। तो संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक को मनोवैज्ञानिक, समाज शास्त्रीय और भाषाई कारकों का ज्ञान होना आवश्यक है। अब आज का हम आपको असाइनमेंट देते हैं, और इस असाइनमेंट के अंतर्गत हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें संप्रेषण को प्रभावित करने वाले वाले समाज शास्त्रीय
या सामाजिक सामाजिक तथा भाषा शास्त्रीय शास्त्रीय कारकों का साधारण स्पष्ट कीजिए। तो अभी जो हमने फैक्ट्स देखे हैं इन तीनों कारकों से संबंधित, आपको उसके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट इसका जो आंसर है वो आपको 300 वर्ड्स में करना है। इसके साथ ही एक और असाइनमेंट दे देता है कि जब भी आप कॉलेज जाए अपने साथ कॉन्टेक्ट बॉक्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर निकलते समय फेस पे सदा मास्क लगा के रखिए। लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, साबुन से धोएं। अपने ऐसे सिम्टम्स अगर आपको दिखाई देते हैं जो कोरोना वायरस से रिलेटेड है तो आप दया करके तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस की एडवाइजरी हेतु जो भारत सरकार द्वारा जारी की गई है उसके पोस्टर बनाकर लोगों को अवेयर करने का कार्य कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।